गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोसिस के बारे में। ये जो प्लान दिख रहे हैं, ये इसमें क्रोसिस लगा हुआ है क्योंकि इसका जो लिप्स है वो देखिए थोड़ा येलो दिख रहा है। तो ये क्रोसिस क्यों होता है? क्रोसिस होता है ज़्यादातर आयरन का डिफिशियंसी आपका मीडिया में हो जाता है, तब जाके ये क्रोसिस होता है। आप अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ कर रहे हैं उसमें हमेशा देख लीजिए उसमें आयरन है या नहीं। आप हफ्ते में एक दिन माइक्रोन्यूट्रिएंट हमेशा यूज़ कीजिए ये क्रोसिस से बचने के लिए। आप चिलिटेट आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यूज़ करता हूँ उत्कर्ष का एफी चिलिटेट आयरन। इसको मैं 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके उसका बाद क्या करता हूँ, इसमें स्प्रे कर देता हूँ, पत्ती में स्प्रे करता हूँ ऊपर और नीचे, और कुछ जो बच जाता है उसको मैं मीडिया में डाल लेता हूँ। उससे ये प्रोसेस जो है मैं 3 बार करता हूँ, 3 दिन इंटरवल में सेम प्रोसेस, तो ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाता है। आपका अगर क्रोसिस प्लांट में आ जाता है तब क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल का जो है क्लोरोफिल इसमें कम हो जाता है। इससे क्या होता है, इसका जो खाना बनाने का प्रोसेस जो है वो होता नहीं इतना अच्छा से। तो इससे क्या होता है, प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो कहीं कहीं रुक जाता है, या इसमें फ्लावरिंग का जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए 15 दिन इंटरवल में एक बार चिलिटेट आयरन इसमें स्प्रे करने के लिए। अगर आपके पास चिलिटेट आयरन नहीं है तब जाके माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ कर सकते हैं जिसमें आयरन है, वो हफ्ते में एक दिन आप हमेशा स्प्रे करते रहिए प्लांट पे, तब जाके ये बीमारी आपका प्लांट पे नहीं आएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।